नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पहुंचे हैं जम्मू दर्शन में मांडा जू में। तो दोस्तों ये है इसका मेन गेट, और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बंदर हैं, और यहाँ पे कुछ लंगूर भी हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये है पार्किंग एरिया, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं जो कि हमारे नेचर को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। और ये है मांडा जू का टाइम टेबल। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये है इंदिरा गांधी नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर जो कि मांडा जू के अंदर ही है। तो चलिए अब हम चलते हैं जू के अंदर। तो दोस्तों जैसे ही मांडा जू के अंदर एंटर करते हैं ये शॉप आती है जिसमें कि हमें बहुत सारे खिलौने देखने को मिलते हैं जो कि जम्मू कश्मीर की कला को दर्शाते हैं। तो दोस्तों जैसे हम मांडा जू में एंटर करते हैं हमें दोनों तरफ पेड़ पौधे नज़र आते हैं जो कि इसे बहुत ज़्यादा सुंदर और आकर्षित बनाते हैं। और इसके साथ साथ हमें मांडा जू में पक्षियों की चहचहाट भी सुनाई देती है। तो चलिए अब इन सुंदर पार्कों से गुजरते हुए जू की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि इस पोस्टर में ही दिखाया गया है कि हमें यहाँ पर कितने अद्भुत और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेंगे, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर और देखने वाला दृश्य होगा। तो दोस्तों हमने सबसे पहले देखा ये जंगली बिल्ली, और दोस्तों हमें इसके साथ साथ नेवले भी देखने को मिले। दोस्तों इसके साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिली जंगली बिल्ली और लेपर्ड कैट। दोस्तों इसके साथ ही है उल्लू यानी कि आउल का पिंजरा। दोस्तों ये देखिए ये है उल्लू। चलिए दोस्तों अब हम आपको मिलाते हैं गबरू से जो कि एक भालू है। इससे मिलिए ये है गबरू जो कि अब इस वक्त खेल रहा है। दोस्तों उसके साथ ही है ये सोया हुआ तेंदुआ। तो ये देखिए दूसरा तेंदुआ जो कि ऊपर सो रहा है। ये देखिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं मांडा जू को देखने के लिए। ये देखिए हिरण, इनमें से कुछ कृष्ण मर्ग भी हैं और कुछ पारा सिंह का भी हैं।
अब हम इससे भी और आगे बढ़ते हैं। इस मांडा जू की यात्रा में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिल रहा है। साथ ही हमें यहाँ पर नील गाय भी देखने को मिली। साथ ही यहाँ पर बैठने की भी पूरी सुविधा है। यहाँ पर हमें बत्तखें भी देखने को मिली। अब सा छोटा सा पानी का स्रोत, जिसमें कि इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा है बंदरों के लिए और दूसरा हिस्सा है बत्तखों के लिए। यहाँ पर बंदर भी नहा रहे हैं, इस पानी के स्रोत का मजा ले रहे हैं और ये बहुत ज्यादा देखने वाला दृश्य है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पानी के स्रोत का दूसरा वाला हिस्सा, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कितनी बत्तखें हैं और वो भी पानी का खूब मजा ले रही हैं। फैमिली मेंबर्स ने पालतू जानवरों के साथ सेल्फीज भी ली। देखते हैं स्नेक दोस्तों, अब हम देखते हैं स्नेक्स की कैटेगरीज। पहले है द इंडियन रॉक पाइथन। देखते हैं इस पेड़ की टहनी के ऊपर है द इंडियन पाइथन रॉक स्नेक। इसके साथ ही है इंडियन कोबरा स्नेक। ये है इंडियन कोबरा स्नेक। और दोस्तों ये देखिए द रूशियल स्पाइपर। और दोस्तों ये देखिए द रूशियन स्वाइपर स्नेक। द रॉयली दोस्तों, अब हम देखते हैं द रॉयल और डायमंड स्नेक। रॉयल यानी दोस्तों ये है द रॉयल यानी कि द डायमंड स्नेक। जानवरों की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं बगुले, जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा नजदीक से देखने को मिले मोर और मोरनिया।
जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। इतने सुंदर मोर नहीं देखे थे, इतने नजदीक से और इतने सुंदर मोर नहीं देखे थे जो कि आज हमें यहाँ पर देखने को मिले। पिंजन यानी कि कबूतर भी देखने को मिले, हमें पिंजन यानी कि कबूतर भी देखने को मिले जो कि यहाँ पर दाना चुग रहे हैं। और दोस्त उसके साथ ही हमें चीता यानी कि तेंदुआ भी देखने को मिला। जो कि अपने पिंजरे में आराम फरमा रहे हैं। दोस्तों ये देखिए अ क्लोजर लुक ऑफ चीता। और दोस्तों घूमने के साथ साथ हमने यहाँ पर मांडा जू में पिक्चर्स एंड सेल्फीज भी ली। और दोस्तों उसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पुराना बरगद का पेड़ भी देखा। बस इतना तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले ब्लॉग में।